हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ में भाजपा के चाणक्य शाह। राजस्थान के चुनाव अभियान को मजबूती देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह परिवार को मारवाड़ के दौरे के लिए दोपहर करीब 12 बजे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर शाह का केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, महापौर घनश्याम ओझा समेत पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शाह यहां से पाली के लिए रवाना हुए। विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अमित शाह ने जोधपुर के भाजपा नेताओं के साथ चर्चा की और उनके साथ नाश्ता भी किया। नाश्ते में अमित शाह ने घी की कचौरी और शहर के प्रसिद्ध लड्डू खाए। शाह एयरपोर्ट से ही सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पाली के लिए रवाना हो गए। शाह का पाली शहर में करीब 3 घंटे तक 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और इसके बाद जोधपुर शहर में करीब 5 घंटे का प्रवास प्रस्तावित है। इन 5 घंटों में 3 कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। शाह का जोधपुर दौरा पूर्ण रूप से कार्यकर्ता केंद्रीय किया गया है। फिलहाल वे आमसभा को संबोधित करने से परहेज कर रहे हैं। मारवाड़ में चुनावी रणनीति के साथ ही नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने का मंत्र भी देंगे। इस दौरान मेघराज लोहिया, शंभू सिंह खेतासर, सूर्यकांता व्यास भी मौजूद रहे। शाह अपने 1 दिवसीय मारवाड़ दौरे के दौरान जयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में अमित शाह का ये पहला चुनावी दौरा है। शाह के इस दौरे के जरिए भाजपा युवा कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरना चाहती है। मारवाड़ में अमित शाह कार्यकर्ताओं को जोधपुर संभाग की 33 विधानसभा सीटों पर जीत का गणित समझाएंगे। पिछली बार भाजपा ने यहां 33 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।